नमस्कार, मैं सुनीता अपने चेन्नई जी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट स्वीट की रेसिपी, जो घर के ही सामानों से आसानी से बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। 5 मिनट में बनने वाली मिठाई बनाने के लिए हमने ये 8 ब्रेड स्लाइस लिए, हमने वाइट ब्रेड लिए। अब हम ब्रेडों को एक कटर से काट लेते हैं। आप चाहे तो घर की कोई कटोरी या ढक्कन से भी काट सकते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा कटर से काट रही हूँ, जिससे थोड़ा सा देखने में भी ये अच्छा लगे। इस तरह से मैं सभी ब्रेडों को काट लेती हूँ। ये हमने सभी स्लाइस काट लिए हैं। और ये जो ब्रेड बची है, इसका आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं, उसके बाद आप कटलेट में या कोई और रेसिपी में भी डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे भी इसकी बहुत सी रेसिपी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना। अब हम इनको रखते हैं साइड में। यहाँ हमने दूध की मलाई ली है, इसको थोड़ा सा अच्छे से फैट लेते हैं। इसमें डालें, यह है 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी। हम इसमें चीनी इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि आगे हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसलिए इसमें हम कम चीनी डाल रहे हैं। अब चीनी को भी अच्छे से पहले मलाई में मिक्स कर देंगे। यहाँ हम पहले 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, अगर हमें लगेगा तब हम और डालेंगे। हमें थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए, हमें सिर्फ 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर चाहिए था। अब हम इन सबको मिक्स कर देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ हमने 1/2 कटोरी पानी लिया है, ये सिंपल पानी है। अब इस सिंपल पानी में हम 1 से 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे, ये पिसी हुई चीनी है। बस आप चेक कर लेना चाक के कि ये मीठा हो गया है कि नहीं। हमें इस समय ये बिल्कुल मीठा पानी चाहिए ये वाला। इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर है, इसको थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि हमारी जो मिठाई है देखने में अच्छी लगे। इस तरह से मिक्स कर देंगे। देख कितना अच्छा पानी हो गया कलर। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी घेर के भी इसको बना सकते हैं। हमारा पानी भी तैयार है, ब्रेड भी तैयार है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी बना लेते हैं, अपनी मिठाई बना लेते हैं। पहले 1 ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इस तरह से इसमें पानी में डालेंगे और इसको साइड में डाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे, दबाएंगे नहीं, और इस तरह से एक प्लेट में रखते जाएंगे। हर ब्रेड को इसी तरह से करेंगे, एक्स्ट्रा पानी निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये हमने सभी ब्रेड तैयार कर लिए। और जो हमने इसके लिए क्रीम बना के रखी थी, अब उसको देख लेते हैं। ये हमने अच्छे से मिला दिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। आप चाहे अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालना, अगर ना हो तो उसको रह सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूध की मलाई ली थी, अगर आपके पास दूध की मलाई ना हो तो इसमें आप दूध भी ले सकते हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट अच्छे से मिला दिए। अब हम इसको इस तरह से लगा देते हैं। हम अपने हर एक ब्रेड पे इसको लगा देंगे। यहाँ हमने सभी ब्रेड तैयार कर लिए। अब आराम आराम से अपनी एक एक ब्रेड को उठाएंगे और दूसरी ब्रेड पे डाल देंगे। ये बहुत सॉफ्ट हो गई होंगी, इसलिए बिल्कुल धीरे से उठानी है।
इस तरह से उठाएंगे और दूसरी ब्रेड पे इस तरह रख देंगे हम। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड उठाएंगे, ये हमने सभी को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। यहाँ हमने नारियल के बुरादे को लिया है, जो सूखा नारियल था उसको हमने घर में ही पीस के नारियल का बुरादा बनाया है। अब हम अपने मिठाई को उठाएंगे और इसको चारों तरफ से नारियल के बुरादे से कोट कर देंगे, जिससे कि खाने में और भी टेस्टी लगेगी। अच्छे से कोट करेंगे और हमने थोड़ा थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि ये गीला हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो हम एक एक पीस को उठाएंगे और अपनी प्लेट में रखते जाएंगे, उठा के एक प्लेट में रख देंगे। हमने सभी पे नारियल का बुरादा लगा दिया है, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। ये हमारी इंस्टेंट मिठाई बनकर रेडी हो गया। हमने ऊपर से पिस्ता से इसे डेकोरेट कर दिया है। जब भी आप किसी को सर्व करें इसे बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो ये ठंडी ठंडी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है।